सो गाइस वी वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ यू नो वाटर और खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई थी, तो हम लोगों को रोज मस्त चाय वगैरह लगती है, तो चाय के बॉक्स ना खत्म हो गए। तो आप देख सकते हैं आज यहाँ पे हम लोगों का कितना सामान जमा हो गया है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, अभी होटल से ना टॉवल वगैरह कुछ मंगवा लिए, टिश्यू बॉक्स है यहाँ पे, टिश्यू बॉक्स मंगवाया है और कुछ शैम्पू और सोप, लिक्विड सोप वगैरह भी मंगवा लिए हैं। तो आज वो भी आया है हम लोगों का, तो जो पुराना हो गया है ना उसको हम लोग बाहर रख देंगे। और फिर ये आप बॉटल देख सकते हो, तो ये हम लोगों को मिली थी होटल से 21-21 ईच। ओके, तो अभी सेकेंड ही वीक चल रहा है क्वारंटाइन का और एक पूरा हफ्ता बाकी है और हम लोग की पानी की बॉटल खत्म हो गई। सो क्या है ना कि ऐसे अगर बॉटल अभी हम होटल से मांगेंगे तो ये एक बॉटल इतनी सी ये लोग $10 में देते हैं, मतलब इंडिया के 100 रुपए में ये, ठीक है। बट यही बड़ी वाली अगर आप बॉटल देखें तो ये 150 रुपए में इतनी बड़ी आती है, ठीक है। तो आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो कि हम अगर होटल से मंगवाएंगे तो कितना महंगा पड़ेगा। सो दैट्स वाई यू नो हम लोगों ने ये दो बॉटल्स हमारे फ्रेंड से मंगवा ली है, तो उसने हमको जो है ये डिलीवर करके दिया। और फिर उसके बाद मेरा थर्सडे का फास्ट भी होता है ना, तो आज ऐसे एक्चुअली थर्सडे ही है, तो फिर हम लोगों ने कुछ चिप्स वगैरह भी मंगवाए हैं, तो उसने जो है इतने ढेर सारे चिप्स ला के लिए। ऑब्वियसली ये सारे सभी मैं नहीं खा पाऊंगी, जो सिंपल वाले हैं ये क्लासिक वाले इसको मैं खा पाऊंगी, बट देन एनीवेज उसने इतने सारे सभी ला के दे दिए वापस से। जो है इतना बड़ा ये टोस्ट का पैकेट लाया है चाय के साथ, हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, यही हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता है एक्चुअली, तो दैट्स अ गुड थिंग। और ये गिरनार के चाय, जस्ट रियली लाइक दिस टी, आई लव दिस टी, बहुत अच्छी है ये और बहुत अच्छे से बनती है। आपको मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। ओके चलो, एक मैं अभी बनाने वाली हूँ, लेट्स गो। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे हाफ ऑफ कप ऑफ वाटर ले लिया, उसको केटल में डाल दिया गरम करने के लिए, पानी रख दिया। उसके बाद जो है ये टी दिखाती हूँ, यहाँ की ब्रांड है गिरनार मसाला चाय, बहुत अच्छी है। एक एक पाउच जो है वो हर एक कप में मैं डाल दे रही हूँ। इसके बाद जो है थोड़ी सी इसमें और अच्छी गाढ़ी टेस्ट आने के लिए एक एक चम्मच मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है एवरीडे का। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है हम लोग हॉट वाटर डाल रहे हैं, बस इतना इंग्रेडिएंट्स डाल लो और उसके बाद जो है अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर लो स्पून से, ताकि नीचे पाउडर वगैरह जो भी है वो चिपक जाता है थोड़ा, तो उसको अच्छे से अगर हिला लोगे तो उसके बाद जो है आपकी चाय रेडी हो जाएगी। ये देखिए चाय इज रेडी। हम लोग अभी आज ना ये फूड आप देख सकते हैं, बाकी सारा सब कुछ तो खा के हो गया, बट ये पता नहीं कैसी ग्रेवी है क्या है, तो ये ना बिल्कुल जा नहीं रही है, ये भी पता नहीं कौन सी वाली सब्जी है, तो ये थोड़ा ना ऐसा स्टिकी स्टिकी है और इसको एक्चुअली कोई टेस्ट ही नहीं है, मतलब नमक ही नहीं है ना राइस में है ना इसमें है, तो ये कुछ उतना खासा मुझे पसंद नहीं आ रहा है। सो आज हम लोग जो है आज स्किप कर रहे हैं, ये नहीं खाएंगे हम लोग खाना। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये बिरयानी का ये डाल दिया है, तो ये आप देख लीजिए, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉम का वेज बिरयानी वाला पैकेट है, तो हम लोगों ने ऐसे हम अभी दो डिब्बों में बना रहे हैं, तो एक इसमें डाला है हम लोगों ने, ओके, और इस डब्बे में डाला है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और गर्म पानी जो है इसमें बस डाल के हमें 5 मिनट इसको बंद करके रख देना है, तो बिरयानी जो है रेडी टू ईट, खाने के लिए रेडी हो जाती है। तो बस फिर इसको खाएंगे, इसको अभी बंद करके ढक के रख देते हैं, सच में आज की ये बिल्कुल पसंद नहीं आई हम लोगों को। ये अभी इनको हम लोगों ने ढक्कन लगा के रख दिया है, वाह बिरयानी रेडी है। ये देखिए गाइस इतनी अच्छी दिख रही है और स्मेल तो आपको क्या बताऊं, जैसे ही मैंने ओपन करा ना इतनी अच्छी प्यारी एकदम इंडिया वाली खुशबू आ गई। बड़ा बड़ा हम इसको खाते हैं, मस्त गर्मा गर्म है। हाय गाइस, तो आज हम लोग का खाने का मूड नहीं था, मतलब ऐसे ही बोरिंग सा ही खाना आया है, तो जो हम लोग को गुडी बैग में ये यहाँ का है कि कहाँ का है पता नहीं, इस पे लिखा हुआ तो है प्रोडक्ट ऑफ मलेशिया, बट गुडी बैग में हम लोगों को ये मैगी वाला कप मिला था, तो हमने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, तो आज हम लोग ना इसको ट्राई करने वाले इस थोड़ा ओरिगानो हम लोगों ने डाल दिया है, अब मैं इसको खा के देख रही हूँ।
ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, कोई तो एक है, अलग टेस्ट है। कैसे बताऊँ, मतलब अच्छी लग रही है, टेस्ट खा सकते हैं इसको, बस स्पाइसी नहीं है। ठीक ठीक है, अच्छा है। सो गाइस, हम लोगों का अभी डिनर आ गया है और डिनर में आप देख सकते हो आज कुछ तो भैया अलग है। ये सेकेंड वीक चल रहा है हम लोग का, आई गेस अभी यहाँ पे सीजन भी है, क्योंकि पंकज जब क्वारंटाइन हुए थे तब उनको इतनी वैरायटी नहीं मिली थी। और ये जो है, मुझे लगता है ये ना मशरूम है, ठीक है। सो वी हैव हियर कॉलीफ्लावर, ये गाजर है, दिस वन इज ऑल्सो मशरूम, और ये ना काला काला, ये कुछ और ही अलग ही टाइप का मशरूम है। तो देखते हैं अभी इसको खा के कैसा लगेगा। तो एक्चुअली मेरा तो फास्ट है, मैं तो नहीं टेस्ट कर पाऊंगी, बट पंकज विल टेस्ट फॉर यू। ईट नो। हाउ इज इट? इट्स गुड? नो टेस्ट, नथिंग बट गुड। देखिए गाइस कितना कचरा निकला है अभी जो है, ये देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है। नहीं, रूम अच्छे से मैंने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया पूरा, और ये देखो कचरा, और मेरे बाल तो देखो, बाल भी है और छोटे छोटे जो खाने पीने के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सब भी है। अच्छा हुआ साफ कर लिया। तो हाँ, सो गाइज, हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे अभी मैकडॉनल्ड्स का खाना मंगवाया है। खाना मतलब वही है, बर्गर शर्गर ही मंगवाया है। तो पंकज ने कौन सा मंगवाया है? मेरा जीसीबी। So, he is having this. What I think it's a great chicken burger. Great chicken burger. I don't know, that's my guess. It is just GCB. They call it GCB. हाँ, GCB. So, इसमें चिकन है और वही है, लेट्यूस है, और भाई अपना चीज वगैरह जो भी सॉसेज वगैरह होते हैं वो है, ये मंगवाया है उसने। मेरा जो है, या माय फेवरेट एग एंड चीज वाला बर्गर है मेरा। ओके, सो आई एम गोना एंजॉय दैट। फिर हम लोगों ने फ्राइज की जगह पे ये थोड़ा कुछ नया ट्राई किया है। ओके, सो व्हाट दिस आर कॉल्ड इज पोटैटो ग्रिट्स ना। यस, सो ये फ्राइज की तरह ही है, थोड़ा इसमें कुछ मसाला वगैरह ऊपर से डाल के रखा है, जो अपना होता है ना ओरिगानो टाइप वगैरह वैसे। फिर पंकज ने ऑरेंज जूस मंगवाया है यहाँ पे, और मैंने जो है आइस्ड वाली कोल्ड कॉफी मंगवाई। तो इसमें आपने देखा ही, मैंने शुगर डाली वगैरह, सो दिस इज ऑल्सो गुड। और इसके साथ जैसे कि मैंने बताया आपको, ये टॉय मिला है, इसको जो है हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स इसको बनाना पड़ेगा एक्चुअली, तो ये मेंटल करना पड़ेगा। और ये ऐसा टॉय मतलब यहाँ पे मिलता ही है मैकडॉनल्ड्स में, है ना, ज्यादातर वो देते ही है जब आप कॉम्बो मील वगैरह ऐसे लेते हो, मंगवाते हो। सो ये पूरा का पूरा टोटल हम लोग को गया है 90 HK डॉलर, दैट मीन्स 850-900 रुपए, है ना। तो वैसे वाला, तो आज संडे था और यहाँ का खाना खाना भी मंगवा लेते हैं। तो चलो हम अभी एंजॉय करते हैं और आपको थोड़ा सा खाते हुए दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे और आप भी आइए फिर खाने। Let me test your love. Yeah, I love it. Not bad, it's good. तो गाइस हम लोग बना रहे हैं आज उपमा, तो ये मॉम का ही है, काफी टेस्टी है, मैंने इसको टेस्ट किया है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, इसको बस जो है कोई भी एक कंटेनर ले लो, ढक्कन वाला जो होगा वो, तो उसको ऐसे डाल दो पूरा, ठीक है। और वहाँ पे जो आप है देख सकते हैं, केतली में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें पूरा सारा सब इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि आपने कितना पानी लेना है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही एकदम पूरा गर्म हो जाए पानी, उसके बाद जो है इसमें डाल देंगे हम लोग। ओके गाइस, तो इसको अब हम खोलते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो गया है, और
मैं थोड़ा सा खा के देखती हूँ। इट्स टेस्टी। कांदा, मिर्च, जीरा, राई, कड़ी पत्ता, सारा सब एक एक की टेस्ट आ रही है, बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी सेव डाल के खाती हूँ इसमें मैं। सो गाइज, आज है फ्राइडे और आज आप देख सकते हैं राइस है एज़ यूज़ुअल, और ये जो ग्रेवी है ये आज के इसमें क्या क्या है, मशरूम तो रहता ही है, ओके, मशरूम है, कॉर्न है, आपको ये दिखाती हूँ। आपको पता है ना हम लोग के यहाँ पे वो शिंगाड़े मिलते हैं, तो शिंगाड़े को भी ये लोग ना ऐसे उबालते हैं, ये देखो ऐसे कट करके, तो ये भी बॉईल करते हैं इसमें। ये जो है ये पर्पल वाला बैंगन दिया है जो कि पंकज को बहुत पसंद है। You want more? No, I have it with Take my it, food. no? No. मैं सारी सभी सब्जियां खा लेती हूँ इसमें, कि बस मुझे बैंगन नहीं पसंद तो मैं वो पंकज को दे देती हूँ। ठीक है, मशरूम है, शिंगाड़े है, मैंने जैसे ही बताया, ये आज कुछ और अलग वाला मशरूम है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत टाइप्स के मशरूम्स होते हैं, ओके, नाम उनके बताना अभी फिलहाल मुश्किल है, बिकॉज़ आई एम नॉट येट यूज टू कि कौन से मशरूम को क्या बोलते हैं। और ये कैबेज है, ठीक है, कैबेज तो हर सब्जी में यहाँ पे डलता ही है, और ये तो जैसे मैंने बोला कि ये शिंगाड़े, पता नहीं इसको हिंदी नाम क्या है बेबी, आपको कुछ पता है? वो ब्लैक ब्लैक पता है ना आपको, शिंगाड़े मिलते हैं वही है ये, और बस ये ऐसी ग्रेवी है। तो इसी के साथ जो है हमने अभी राइस खाना है, एंड एज यूजल हमारा अचार तो है ही, अचार के साथ हम लोग खाएंगे अभी। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को आज कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो एक्चुअली हम लोगों ने नॉनवेज ऑप्शन चूज़ नहीं करा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता चला कि एक्चुअली अगर आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, मतलब जब चिकन और फिश है तो हम लोगों ने बोला कि हमें चाहिए, तो हम लोगों को शाम में जो है एक ये ऐसा वाला आया है चिकन का, और ये तो मेरा है वेज वाला। ठीक है, तो अभी पंकज हमें बताएंगे कि कैसी टेस्ट है, उन्होंने स्मेल करके देखा ही, रियली लाइक्ड इट, सो जस्ट ईट इट एंड टेल अस हाउ इज़ इट। What is it? It is chicken, चिकन। right? वाह 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 वाह, फाइनली समथिंग गुड। Oh, great. So you liked it. So we were so dumb that we didn't knew that we या can ask for it, right? आई डिडंट नो दैट। We just ate simple vegetable वाला. या Anyways, it's good. We still have 1 week. You can enjoy this. हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ अलग दिखा रही हूँ। ये देखिए, आज हम लोगों को ना कुछ अलग ही ब्रेकफास्ट मिला है। यहाँ पे ये मैंने टेस्ट करके देखा, ये तो सूप है, ओके। अब किस चीज़ का है, क्या है, वो कुछ भी नहीं पता है, बट आज ये कुछ हम लोगों को अलग ही ब्रेकफास्ट आया है। आई गेस पता नहीं यहाँ पे लोगों ने कंप्लेन करी या क्या हुआ, बट एनी वेज जो भी है, तो आज ये कुछ ऐसा आया है। नीचे आप देख सकते हैं ये पास्ता है, और मस्त है, एकदम गरम गरम है। रोज भी थोड़ा हल्का ही वार्म होता है, बट आज जो है एकदम हॉट हॉट सर्व हुआ है हम लोगों को। और ये ब्रेड दिया हुआ है एंड एग है यहाँ पे। ऐसा वाला आज का ब्रेकफास्ट है। अच्छा है, सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके पास्ते में वो डाल दिए, बहुत अच्छे से पका है ये, पर पूरा फीका है, बट स्टिल इट्स नाइस, इट्स हेल्दी। हम शायद इसके ऊपर कुछ तो अपने घर का डालते ही हो, खा लेते हैं अभी, अच्छा है, कुछ तो अलग है। आज हमें आए हैं नूडल्स, जिसमें कि कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स का सारा सब सब्जियाँ डाला हुआ है। टेस्ट अभी तक तो पता है नहीं मुझे, बट कल जैसे पास्ता को किया था वैसे ही हम लोग जो है ये ओरिगानो और ये स्प्रेड मिक्स करके जो है इन्हें खाने वाले हैं। ये है चाय, और ये है बन पाव, और ये है एग्स। तो अभी भी जो है पंकज को ये एक नॉनवेज का आया है, तो आप देख सकते हैं इवन वेज का भी मतलब इतना टेस्टी होता है ना ये सब्जी। आज फाइनली खा के हम लोग को इतनी अच्छी टेस्ट आई है, मतलब इसमें अनियन, कैप्सिकम, जो थोड़ा मसाला वगैरह होता है वो तो वो सारा सब है, और
राइस भी देखिए आप कितना अच्छा है इसका क्वालिटी, और इसमें भी सारा सब कुछ जो है सब्जियां भी डली हुई है, प्लस ये ग्रेवी दी हुई है, सो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको कैसे लग रहा है? या इट्स रियली गुड, फाइनली वी गॉट समथिंग इन द लास्ट वीक। या लास्ट वीक